कोई कैसे यकीन कर ले कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, कोई कैसे मान ले कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है, कोई कैसे बोले कि आप जो करवा रहे हैं वो सब कुछ सही और एकदम निष्पक्षता के साथ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, चुनाव आयोग हमेशा ये दम भरता रहा है कि वो चुनाव बहुत निष्पक्षता के साथ करवाते हैं। विपक्ष के लोग और जो हार जाते हैं वो हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव आयोग क्या करते हैं, शेर व शायरी पढ़कर निकल जाते हैं। सूट बूट में चुनाव आयोग के सारे अफसर आते हैं और जो सवाल जनता के होते हैं, जो मेन सवाल होते हैं, उन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला है। खैर, मिलने की उम्मीद भी नहीं है, लेकिन अब आपको जो खबर दिखा रही हूँ उस खबर को देखकर आप खुद लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या हम चुनाव आयोग पर और जो ये सिस्टम है उस पर भरोसा कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है दो राज्यों के चुनावों की तारीख की घोषणा हो गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर चुनाव होने वाला है। उससे पहले आप देख ही चुके हैं हरियाणा के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर सिरफुटावर चल रहा है, जमकर बवाल चल रहा है। सैकड़ों भाजपाई तो इस्तीफा दे चुके हैं, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। यही नहीं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री बागी हो गए हैं और टिकट कटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये सब चल रहा है, लेकिन अफसोस की बात, खबर का मुद्दा, खबर की टॉपिक क्या होती है, तो राहुल गांधी। राहुल गांधी ने विदेश में क्या बोला, उसके लिए एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा डिबेट चलता है। लेकिन हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सीन चल रहा है वो कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है कि देखिए बीजेपी विधायक अपना दबदबा, अपना रौब कैसे दिखा रहे, कैसे लूटपाट कर रहे, कैसे SDM के सामने छिनतई कर रहे। दरअसल ये खबर डिलीट हो जाए इससे पहले मैं आपको ये खबर बताना चाहूंगी दोस्तों। News 24 के हवाले से खबर आया है, शायद News 24 वाले डिलीट भी करते हैं। News 24 के हवाले से खबर आ रहा है दोस्तों कि बीजेपी के विधायक जो है मंजू त्यागी, उसने SDM के सामने विपक्ष का पर्चा ही लूट लिया, पर्ची लेकर भाग गई लूट करके। ये News 24 के हवाले की खबर है दोस्तों कि बीजेपी विधायक मंजू त्यागी ने SDM के सामने लूटे विपक्ष उम्मीदवारों के पर्चे। लखीमपुर में सहकारी समिति के चुनाव के दौरान ये घटना हुई है। एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए आला कमान अफसर, अफसर कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी की विधायक मंजू त्यागी जी आई और पूरा विपक्ष का पर्चा लेकर भाग गई। उन्हें ये डर सता रहा था कि विपक्ष जो उनके सामने खड़ा है वो शायद मजबूत है, वो उनसे हार जाएंगी, इस वजह से पर्चा ही लेकर रफू चक्कर हो गई और SDM और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर ये सब नज़ारा देखते हुए नजर आए हैं वीडियो में। अब आप सोचिए दोस्तों कि क्या हो रहा है और किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि निष्पक्ष सब कुछ हो रहा है, सारे निष्पक्षता के साथ काम वाम चल रहा है, कर सकते हैं हम ऐसी उम्मीद? मैं तो नहीं कर सकती दोस्तों, क्योंकि जब SDM के सामने ये सब कुछ हो रहा है, अपना दबदबा ये दिखा रही हैं, तो और भी अधिकारी इनके लिए क्या होंगे, बूथ लेवल के लोग क्या होंगे इनके सामने? अगर कहीं चुनाव होता है और चुनाव में धांधली होती है तो बूथ लेवल के जो लोग बैठे हुए वो क्या कर सकते हैं? ये तो बीजेपी की विधायक है, ये कुछ भी कर सकती है। जब SDM के सामने ये पर्चा लेकर भाग जा रही हैं और SDM मुंह तकते रह जा रहे हैं, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं ना। सही कहते हैं बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता, पुराने पुराने बयान जो है इनके सही पड़े हैं। भैया तुम कितना भी बटन दबा लो, जीत तो हमारी ही सुनिश्चित होगी, जीत तो हमारी ही पक्की होगी, कई बीजेपी नेता के बयान आ चुके हैं और अब तो खुलकर यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। अब देखिए ये मामला जैसे ही आया है, कई लोग इस पर खबर ट्वीट करते हुए नजर आए। मैं लोगों की प्रतिक्रिया भी आपको दिखाना चाहूँगी। एक यूज़र है, वो लिखते हैं कि लखीमपुर के श्रीनगर विधानसभा से भाजपा विधायिका मंजू त्यागी ने गन्ना समिति चुनाव का पर्चा SDM के हाथों से छीन लिया और तेजी से वहां से भाग गई। योगी सरकार के अफसर मुंह ताकते रह गए और विधायिका के समर्थकों से गाली अलग भी खाया उन्होंने। अब CM योगी बताए कि उनका बुलडोजर किस बिल में घुस गया है, क्या यही सुरक्षा व्यवस्था है और निष्पक्ष चुनाव है? शर्म करे, बेशर्मी छोड़े और स्वीकार करे कि ये UP में गुंडई माफियागिरी के पोषक और निदेशक खुद हैं। सत्ता की ताकत
और सत्ता के मदद से ये गुंडई यूपी में चल रही और खुद सीएम योगी इसके संरक्षण दाता है। ऐसा एक यूजर है अब्दुल कलाम खान INC नाम के, उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया पर अपनी राय जाहिर की है। गगनदीप सिंह नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं, किसे कहते हैं भाजपा की गुंडागर्दी, क्या इस मोहतरमा को हार का डर था जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया। इस आरोपी विधायिका के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में कानून का मजाक बनाया हुआ है इन लोगों ने। जाहिर सी बात है, कानून का मजाक तो बनाया हुआ ही है। कानून का मजाक नहीं बना हुआ है तो ऐसा कैसे हो सकता है। सब कुछ आपके सामने है दोस्तों, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। ऊंचे ऊंचे बयान, बड़े बड़े लंबे चौड़े चौड़े भाषण, लेकिन हकीकत कितनी छोटी, कितनी ओछी और कितनी घटिया, ये आपके सामने है। विधायक बन जाने का मतलब होता है जनता का सेवा करना, ये नहीं कि SDM के सामने जाकर पर्चा छीन कर भाग जाना। गजब पॉलिटिक्स चल रहा है दोस्तों। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप क्या लिखना चाहते हैं इन तमाम खबरों को सुनकर बोलकर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि भाजपा के शासन में क्या चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।